नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। आजकल इस गर्मी के सीजन में फीवर होना एक आम समस्या है। यह फीवर कोई जरूरी नहीं कि कोरोना ही हो, इसलिए सिंपल फीवर से भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने के बाद आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और बहुत सारी तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। फीवर के साथ साथ आपको शरीर में दर्द, माथा में दर्द और कभी किसी किसी को बेचैनी, उल्टी, ये सब भी हो सकता है। कभी कभी फीवर के साथ साथ काफी अधिक कमजोरी हो जाता है। इससे घबराने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन सभी चीजों से बचने के लिए सबसे पहले हमें धूप से निकलने के पहले टोपी, गमछा, छाता का जरूर यूज करना चाहिए। धूप में निकलने से पहले हमें अधिक से अधिक लिक्विड डाइट जैसे जूस, छाछ, पानी का जरूर सेवन करना चाहिए। और आने के बाद हमें सबसे पहले अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए और उसके कुछ देर के बाद, लगभग 10-15 मिनट के बाद ही हमें कुछ भी लिक्विड या सॉलिड डाइट लेना चाहिए। बच्चों में फीवर होने के बाद घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि 100 से अधिक फीवर हो जाता है तो सबसे पहले उसके शरीर को ठंडे पानी से कुछ देर पर पोंछते रहें और कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जैसे ब्रैनिया, आर्सेनिक, रस्टेक्स, ये सभी आपके फीवर को तुरंत ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाकर इन दवाइयों को खरीदना चाहिए या फिर अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर इन सभी दवाइयों को ले सकते हैं और आपका फीवर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और आपका जो कोरोना का भय है वो अभी निकल जाएगा। ओके, थैंक यू, नमस्कार।